इसको दो आदमी मिल के उठाते हैं, अकेले नहीं उठता है इसलिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरे इस ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम लोग चढ़ाने वाले हैं पुआल, जो कि ये है पुआल। इसी पुआल को चढ़ाएंगे, जो कि पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाए थे, एक तो मचान बना रहे थे, तो वही मचान में चढ़ाएंगे इस पुआल को। आज आप लोग को वो मचान भी दिखाएंगे और हम लोग कैसे पुआल चढ़ाते हैं गांव में वो पूरा दिखाएंगे, और अभी कैसे बांधते हैं उसको वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो ये गमछी है, इसको माथा में लपेट लेंगे, उसके बाद आप लोग को अभी दिखा रहे हैं कैसे हम लोग पुआल चढ़ाते हैं सो, और कैसे बांधते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पुआल चढ़ाने जा रहे हैं और बांधने। सो दोस्तों, अभी शाम हो चुका है और देख सकते हैं इधर सुबह में कितना था और अभी कितना बचा हुआ है। अभी ढो के ख़त्म कर चुके हैं, मचान में चढ़ा चुके हैं इतना पुआल, और अभी और भी ढोना है। अभी लिसन जॉइंट कर रहा है, लिसन जो सीढ़ी होता है वो थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए जॉइंट कर रहा है, डबल सीढ़ी जॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद अभी ले जाते हैं, और इससे पहले इसलिए वीडियो नहीं बनाए क्योंकि कैमरा मैन कोई नहीं था, तो इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तभी आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कैसे इसको बांध के ले जाते हैं, मचान चढ़ाते हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले इसको झाड़ना पड़ता है, एक तो अखैनी होता है, और कैसा अखैनी होता है वो अभी दिखाते हैं आप लोग को। इसको बोलते हैं अखैनी, हम लोग अपना भाषा में अखैनी बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं इसको, जो जो काम करते हैं ऐसा पुआल का काम करते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है, उसके बाद इस तरह से इसको झाड़ना पड़ता है। ये पुआल थोड़ा छोटा छोटा है इसीलिए नहीं पकड़ा रहा है, इसको इस तरह से ऐसे झाड़ना पड़ता है, इस तरह से इसको झाड़ना पड़ता है ताकि जो बच जाता है, धान बच जाता है ना, तो इसमें निकल जाता है। इसको इस तरह से झाड़ के जो पीछे करना पड़ता है ना, इस तरह से इसको पीछे करना पड़ता है झाड़ के। और चलिए अभी आपको बांध के दिखा दे रहे हैं कैसे बांधते हैं सर। ये वाला रस्सी है, बहुत को इसको बारही भी बोलते हैं, इसको हम लोग रस्सी बोलते हैं। इसको ऐसे फेंकते हैं, इसको इस तरह से फेंकते हैं, और इसको इधर एक गेंठ मार लेते हैं इसको। उसके बाद इसमें ये वाला ईंट जताना पड़ता है, इसमें दबाना पड़ता है, क्योंकि उधर फिर खींचेंगे तो फिर दूध नहीं जाना चाहिए। अब इसमें ये जो पुआल रखा हुआ है झाड़ के, तो इसको यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से। अब इसको भर लेते हैं, इतना बड़ा हो चुका है। अब इसको दबाएंगे, थोड़ा पकड़ लेंगे इसको, इसे इसको दबाएंगे, पकड़ेंगे, देखिए वाला रस्सी है, इसमें फंसाएंगे इसको। उसके बाद इसको रोल करते हुए वहां तक जाएंगे, अब इसको दबा लेंगे, अब इसको रोल करते हुए पूरा वहां तक लास्ट तक जाएंगे। अभी इतना बड़ा हो चुका है, अब इधर से इधर बांधेंगे, इधर इसको बांधेंगे बढ़िया से, इसको दबाए थे इसको निकाल देंगे, अब इसको फंसा के बांधेंगे इसमें। अब इसको और एक बार इसको फंसाएंगे, नहीं तो फिर ये वाला प्लास्टिक वाला रस्सी ना, इसमें फिसल जाता है, इसीलिए बढ़िया से बांध लेते हैं।
अब देखिए इतना बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा कलर देंगे उधर, इतना बड़ा। अब इसको लेके जाना पड़ेगा मचान, तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को कैसे ले जाते हैं। इसको दो आदमी मिल के उठाते हैं, अकेले नहीं उठता है इसलिए। चलो अब ले जाते हैं इसको मचान, ये बहुत वजन रहता है। ओप। दूर मेरा जूम कर गया। और देख सकते हैं इधर यहाँ पर रख दिए, बहुत वजन था और गर्दन भी दर्द देने लगा। और कितना हाइट है तो वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो अब इसको खोलते हैं। इसको पूरा खोल देते हैं। अब इसको ऐसे निकालते हैं। तो फिर उसको उसके बाद फिर इसको फिर से समेट के रखना पड़ता है। ये वाला हो चुका है। सुबह में और भी ज़्यादा ला रहे थे और उसको साइड साइड में खोल रहे थे सुबह में, और अभी कोना कोना इसीलिए खोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पुआल नहीं है नीचे, तो इसलिए ये वाला थोड़ा हाइट हो जाएगा और पानी चल जाएगा नीचे ढलान होके। तो इसीलिए अब थोड़ा इसको नीचे फेंक देते हैं इस तरह से। अब हम लोग भी उतरते हैं। और कितना ऊंचा है यहाँ से आप लोग अभी दिखा रहे हैं यहाँ से नज़ारा, ये देखिए कितना नीचे है, इधर से दिखा रहे हैं, ये देखिए इधर पूरा नीचे है, इधर दो चिरकुट सब खड़ा हुआ है। इधर देखिए कितना नीचे है, सब घर टूटा हुआ है इसको। तो चलिए अभी जाते हैं नीचे। ये देखिए यही सीढ़ी ज्वाइंट कर रहे थे चाचा, और पूरा नीचे कितना देख लीजिए, डबल सीढ़ी ज्वाइंट करके इतना हाइट आए हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यदि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के मोबाइल में जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।